अगर अभी तक आपने गुल्ली बुल्ली और काला योद्धा का पार्ट वन नहीं देखा है तो पहले जाके आप उसे देख लें, नहीं तो ये स्टोरी आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली है। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था काला योद्धा दुनिया पे राज करना चाहता है, जिसके लिए उसे बाबा को हराना होगा। फिर काला योद्धा बाबा को मारने के लिए धरती पे जाने के लिए निकल जाता है, और इधर गुल्ली बुल्ली सॉन बाबा का इंतजार कर रहे होते हैं कि बाबा कब आएंगे और इन लोगों को बाबा आज घुमाएंगे। तभी वहाँ पर काला योद्धा आता है और वो बाबा के बदले बुल्ली को ही पकड़ लेता है और बुल्ली को लेके वो गायब हो जाता है। तभी वहाँ पर बाबा आते हैं और कहते हैं, अरे यार बुल्ली कहाँ है, बुल्ली को नहीं चलना है क्या? फिर बुल्ली बाबा को सारी बात बताता है और बाबा ड्रैगन पे बैठकर नागलोक के लिए निकल जाते हैं। वो लोग नागलोक पहुँचते हैं और देखते हैं कि बुल्ली वहाँ पर बेहोश पड़ा है और चारों तरफ नाग ही नाग होते हैं और बीच में काला योद्धा होता है। ये देख गुल्ली और सॉन डर जाते हैं। अब हम देखेंगे कि आगे क्या होगा। काला योद्धा का ये सारी बातें सुनने के बाद बाबा गुस्से से पागल हो जाते हैं और कहते हैं, काला योद्धा अगर तुम्हें लड़ना ही है तो तुम मुझसे क्यों नहीं लड़ रहे हो, क्यों इन बच्चों को परेशान कर रहे हो, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस दुनिया पर राज कर लोगे और मेरे होते हुए? तो काला योद्धा, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मेरे होते हुए इस दुनिया पर कोई भी काली शक्तियाँ राज नहीं कर सकती है, तो तुम क्या हो? काला योद्धा बाबा की ये सारी बातें सुनकर काला योद्धा बोलता है, अरे बाबा मुझे तो लगा था कि तुम्हारे पास जादुई शक्तियों के साथ साथ तुम्हारे पास एक दिमाग भी होगा जो कि बहुत ही ज्यादा तेज होगा, लेकिन अब तो मुझे तुम पे हंसी आ रही है क्योंकि तुम मेरे फेंके हुए जाल में फंस चुके हो। मैंने इस बच्चे को इसीलिए बंदी बनाया था क्योंकि मुझे पता था कि इसे बचाने के लिए तुम यहाँ पर जरूर आओगे, और लो ये तुम मूर्खों की तरह मेरे सामने आकर खड़े हो और मेरी ही दुनिया में आकर मुझे लड़ने की चुनौती देते हो, तो ठीक है अब बचो मेरे वार से। फिर काला योद्धा बाबा पर एक जादुई वार करता है जिससे बाबा एक शील्ड बनाकर रोक देते हैं, और बाबा गुल्ली और सॉन से कहते हैं कि गुल्ली सॉन यहाँ पर मेरी शक्तियाँ बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी है क्योंकि यहाँ पर इतनी ज्यादा काली शक्तियाँ हैं कि मेरी शक्तियाँ ठीक से काम ही नहीं कर रही हैं, तो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि अगर मुझे कुछ भी हो गया तो तुम लोग यहाँ से कैसे भी कर ड्रैगन पे बैठ कर इस काली दुनिया में से निकल जाना। फिर गुल्ली बोलता है, बाबा हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं, अगर आपको कुछ हो गया तो हम इससे मुकाबला करेंगे क्योंकि आपने हमें भी कुछ शक्तियाँ सिखाई हैं और उन शक्तियों से हम इसे हराने की कोशिश करेंगे। और इधर काला योद्धा का सैनिक बोलता है, महाराज आपने इस बाबा पर इतना कमजोर वार क्यों किया, ये बाबा तो आपके वार से बच गया, मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि महाराज आप इसके साथ मजाक क्यों कर रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं पता क्योंकि इस बाबा पे जब जब किसी ने भी हमला किया है तो इसने उसे हरा दिया है, क्या पता ये आपसे ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है, तो महाराज आप इसे तुरंत के तुरंत खत्म करें और हमें और भी बहुत सारे काम करने हैं इस दुनिया पर राज करने के लिए। फिर काला योद्धा बोलता है, ठीक है सैनिक तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, अब मुझे इस बाबा को खत्म ही करना होगा क्योंकि अब अगर मैं इसे खत्म नहीं करूंगा तो ये लोग मुझे कमजोर समझेंगे, तो अब मुझे इन्हें बताना ही पड़ेगा कि कौन है सबसे ज्यादा शक्तिशाली। फिर बाबा बोलते हैं, क्या काला योद्धा इतनी ही शक्ति थी तुम में, तुम तो मेरे शील्ड को भी नहीं तोड़ पाए, तुम क्या मुझसे लड़ोगे, मुझे तो तुम पे अब हंसी आने लगी है। काला योद्धा बाबा की ये सारी बातें सुन के गुस्से से पागल हो जाता है और कहता है, तो लो अब इसे रोको, और काला योद्धा एक और जादुई वार करता है और वो सीधे वार बाबा को जाके लगता है, बाबा वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। ये देख गुल्ली और सॉन डर जाते हैं कि अब उनका क्या होगा, इसने तो बाबा को ही मार दिया। फिर काला योद्धा बोलता है, क्या बच्चों ये मुझसे लड़ने की चुनौती दे रहा था, मुझे तो इस पे हंसी आ रही है, इसने तो मेरा एक अच्छे से वार तक नहीं झेला तो ये क्या मुझसे लड़ेगा, और अब चलो मैं तुम्हारा भी काम खत्म करता हूँ। और इधर रॉड अपने ट्रक में बैठकर बाबा को ढूंढ रहा होता है क्योंकि बाबा ने उसे एक जादुई संकेत दिया होता है कि उन्हें रॉड की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। फिर रॉड अपने मन में सोच रहा होता है कि बाबा ने उसे कहाँ फंसा दिया, ना यहाँ पर एक भी घर दिख रहा है और ना ही कोई इंसान दिख रहे हैं, तो उसे जाना कहाँ है। फिर काफी देर रॉड ट्रक चला रहा होता है, फिर देखता है कि सामने बाबा का ड्रैगन खड़ा है, उसे देख रॉड को समझ में आ जाता है कि बाबा यहीं पर है। रॉड अपने ट्रक से उतरता है और गेट के पास जाकर देखता है
कि बाबा और बुल्ली बेहोश पड़े हुए हैं और गुल्ली और सोन उसके सामने खड़े हैं। तुम कौन हो और ये बाबा और बुल्ली बेहोश क्यों पड़े हैं? फिर गुल्ली उसे सारी बात समझाता है। फिर रॉड बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है, ऐसी बात है तो ये देखो मेरा जादू। और वो अपनी शक्तियों से सारे सांपों को आग में जलाने लगता है और ये देख काला योद्धा काफी ज्यादा गुस्सा होता है। तो अब आपको क्या लगता है, क्या काला योद्धा रॉड को, गुल्ली और सोन को भी बाबा और गुल्ली की तरह मार देगा या फिर रॉड अपनी शक्तियों से इस काला योद्धा को हरा देगा? ये सब हम देखेंगे अगले पार्ट में। और अगले पार्ट को देखने के लिए कमेंट बॉक्स में पार्ट 3 जरूर कमेंट करें, जिससे कि मैं जल्द से जल्द पार्ट 3 लेके आऊंगा। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल पाए। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।